वहीं था करीब 3:15 बजे तक। प्रधान ने हमारे भैया हैं वो प्लॉट वाले, उन्हें फ़ोन किया था 8:30 के बाद ही बताया है, तो उन्होंने हमें फ़ोन किया, बोले भैया जल्दी आ जाओ। तो फिर हम लोग गए थे, इधर के लिए रोड है, उस पर रोड पे लड़का पड़ा था और वो अगले बाउंड्री है भी उसमें पड़ी थी। दीवान जी का फ़ोन आया हमारे पास और प्रधान जी का फ़ोन आया, बोले आप कहाँ हो, तो हमने साहब हम तो घर पे हैं, तो बोले किसी ने गोली मार दी है दोनों लोगों के। इसके पीछे क्या साहब कि हमने एक लड़की की शादी तय करी थी, ये समझ में आया कि लड़की कहती है लड़का सही नहीं है, शराब पी के बात करता है, तो हमारे मन में आया कि गलत है तो ये चालू आदमी है तो रिश्ता तोड़ देना चाहिए। तो कल कई लोगों को उसने नंबर भी फोन की बात करी है, कोई भी आज तक कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए हमें शक पड़ा। मृतका के पति द्वारा अपनी तहरीर में अंकित किया गया है कि जिन व्यक्तियों पर उसने शक जाहिर किया है उन्होंने ही उसको मारा है। आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। रात इज्जत नगर की चौकी एलातपुर के पीछे एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना हुई थी। रात तमाम पुलिस ज़िले की लगी हुई थी और आला अधिकारी भी मौके पर थे, लेकिन रात फाश नहीं हो सका था। लेकिन अब आकर तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई है कि आखिर बेटे और माँ को किसने मारा था और उसके पीछे की वजह क्या थी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में पोस्टमार्टम हाउस पर हैं, जहाँ मृतक के परिजन और उनके जो मृतका थीं उनके पति यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था और उसके पीछे की वजह क्या है। क्या नाम है आप? भूपराम। भूपराम जी, ये जो आपकी पत्नी थी क्या नाम था इनका? मीना देवी। मीना देवी। और बेटे का? मित्रपाल। बेटे की उम्र कितनी होगी? बेटे की उम्र करीब 20-22 साल होती करीब। अच्छा। हाँ, ये कहाँ की घटना है? ये है हाईवे पे लालपुर शनि मंदिर, वहाँ नर्सरी हमने खोली है। अच्छा। हाँ, कितने बड़े एरिया में हो नर्सरी? वो नर्सरी कमती बढ़ती 1 बीघे में हो चुकी है। रहने वाले भी वहीं के? रहने वाले यहाँ के, डोरा गोटिया के। डोरा गोटिया के। क्या हुआ था रात, कैसे पता लगा आपको कि आपकी? पता ऐसे लगा साहब कि मैं वहीं था करीब 3:15 बजे तक, तो चंद्रपाल त्रिपाठी जी हैं पवन विहार वाले दैनिक जागरण के, तो उनके हम शादी उनके लड़के की, तो पौधे लगाने गया था, मैं नहीं था वहाँ। तो शाम को मुझे दोनों अकेले थे। तो वहाँ से कोई निकला था, कोई साइकिल कलारी का जिन कहाँ का, तो उसने बताया गांव वालों को। तो प्रधान ने हमारे भैया हैं वो प्लॉट वाले, उन्हें फ़ोन किया था। कितने बजे बताया? जे 8:30 के बाद ही बताया है। हाँ, बताने के बाद में तो उन्होंने हमें फ़ोन किया, बोले भैया जल्दी आ जाओ। तो फिर हम लोग गए थे, तो वहाँ सभी अधिकारी, हर अधिकारी की गाड़ी वहाँ खड़ी थी, आईजी वगैरह हो गया, एसपी वगैरह, सभी लोग, सभी अधिकारियों की गाड़ी खड़ी थी। अंदर ही गोली मारी? बाहर निकाल के। इधर के लिए रोड है, उस पर रोड पर लड़का पड़ा था और वो अगले बाउंड्री है भी उसमें पड़ी थी। कितनी गोलियाँ लगी थी, कुछ देखा था? ये नहीं देखा साहब। जब आपने वहाँ पर देखा कि इन्हें बाहर मार दी गई है, तो फिर ये रात पता नहीं लग पाया था कि कौन हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे क्या साहब कि हमने एक लड़की की शादी तय करी थी, शादी। हाँ, एक ही लड़की है आप? नहीं, लड़कियाँ और हैं, बड़ी लड़की की हमने शादी तय करी थी एक जगह से। अच्छा। हाँ, किससे की थी? गाँव मसीहाबाद। कौन सी तहसील है? जी, मीरगंज तहसील है। तो पता लगा कि लड़के के चाल चलन सही नहीं है। हाँ, शादी तय हो गई? हाँ, तय हो गई। डिफॉल्ट जे अभी तय हो गई थी, डेट नहीं पड़ी थी जैसे। हाँ, 2 महीने हो गए करीब तय। तो मंदिर में लड़के का क्या नाम है जिससे तय? संजीव। हाँ, किनका लड़का है जे? ठगुरी का है। अच्छा, ठगुरी क्या करते हैं? वो ठगुरी मिस्त्री हैं, ये लड़का और कोई काम करता है कंपनी में कोई। हाँ, तो हमारी ये समझ में आया कि लड़की कहती है लड़का सही नहीं है, शराब पी के बात करता है, तो हमारे मन में आया कि गलत है तो ये चालू आदमी है तो रिश्ता तोड़ देना चाहिए। तो ये कल 15 दिन हो जाएंगे रिश्ता तोड़े हुए। हाँ, उनका सामान उन्हें दे दिया, हमने अपना ले लिया। तो कल कई लोगों को उसने नंबर भी फ़ोन की बात करी है। हाँ, क्या कहा फ़ोन पे बात कर? अब पता नहीं फ़ोन पे क्या कहा है। नहीं, आपको कैसे लगा कि उन्होंने मारा है? हमारे को इसलिए है कि हमें अपने गाँव में किसी से विरोध भाव नहीं था, ना हम जहाँ रहते हैं वहाँ विरोध भाव था, सबसे भैया बंदी हमारी प्यार की थी, कोई भी आज तक कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए हमें शक पड़ा। जैसे आसपास जहाँ आपकी नर्सरी है वहाँ और कोई नर्सरी है या आबादी नहीं? हाँ, नहीं, हमारी ये आबादी नहीं है। हाँ, आबादी नहीं है। आसपास भी कोई नहीं रहता है? नहीं। मंदिर है, मंदिर है इधर के लिए। हाँ, तो वहाँ जब आपने जैसे पुलिस चली गई या पुलिस ने पूछताछ की होगी, तो कुछ लोगों ने बताया कि कितने लोग आए थे? नहीं, तो वो इस बारे में पता नहीं है किसी को कितने लोग आए थे। हाँ, देखी नहीं, पकड़ लिया है? हाँ, बताते हैं कि बाप बेटों को पकड़ लिया है। पहले कोई उनका रिकॉर्ड था ऐसा कि इस तरह के लोग हैं? अब पता नहीं साहब,
अब रिकॉर्ड तो वो थाने देखेगा, थाने में रिकॉर्ड है नहीं है। आपने मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ, वो हमने शक कर दी है उन्हीं पे, हाँ दर्ज करा दिया। दोनों के नाम लिखाएं और कुछ लोगों के भी नाम लिखाएं? नहीं, और लोगों के नाम नहीं लिखवाए। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, क्या घटना हुई थी कल सर? हमें तो ये जानकारी मिली, हम तो घर पे टीवी देख रहे थे तो दीवान जी का फ़ोन आया हमारे पास और प्रधान जी का फ़ोन आया, बोले आप कहाँ हो? तो हमने साहब हम तो घर पे हैं। बोले ये नर्सरी आपकी है? तो हमने हाँ हमारी नहीं, हमारे भैया की है, हमने उन्हें पेड़ पौधे लगाने को दे दी ज़मीन हमारी है। तो उन्होंने बोले तुम यहाँ आ जाओ घटनास्थल पर तुरंत। तो हमने सर बताया तो क्या हो गया? तो बोले किसी ने गोली मार दी है दोनों लोगों के। तो उन्होंने नाम उम पते पूछे हमसे सारे लोगों के, हमारे बच्चों के, हमारे और ये भाई साहब के बच्चों के, भूपराम के, इनके पूरे परिवार के नाम, भाइयों के नाम और बच्चों के नाम के सारे हमने से पूछे। फिर हम घटनास्थल पर गए तो वहाँ देखे तो दोनों लोग मृत पाए गए। आपकी ज़मीन में कब से नर्सरी लगा रहे हैं? लगभग 2 साल से। दिनांक 26 जनवरी 2024 को समय लगभग 8:40 पर थाना इज्जत नगर की हलाबपुर चौकी के गांव लालपुर के पास एक नर्सरी में सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ 2 शव बरामद हुए हैं। इनकी जब शिनाख्त की गई तो इनकी पहचान पड़ोस के ही डोहरा गोटिया गांव के एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और उसके बेटे जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है उनके रूप में हुई है। शव को बरामद करके पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतका के पति द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मृतका के पति द्वारा 2 व्यक्तियों पर शक जाहिर किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उनकी लगभग 15 से 20 दिन पहले शादी तय हुई थी जो रिसेंटली ही टूट गई थी और लगभग 1 सप्ताह पूर्व उनसे उनकी कहा सुनी और झड़प भी हुई थी। मृतका के पति द्वारा अपनी तहरीर में अंकित किया गया है कि जिन व्यक्तियों पर उसने शक जाहिर किया है उन्होंने ही उसको मारा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और थाना इज्जत नगर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बहरहाल माँ बेटे का कत्ल उन्होंने ही किया है जिन पर शक जताया जा रहा है, फिर कातिल कोई और है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया लेकिन वो पक्के सबूत हाथ आने के बाद ही गणतंत्र दिवस पर रात में हुए डबल मर्डर का रास पाश करेगी।